साथ ही साथ हर सोमवार को उनको कोर्ट जाना होगा, अर्जी लगानी होगी। हमारे साथ प्रिया हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। प्रिया, यहां पर 17 महीने का वक्त जो कि बहुत लंबा वक्त था, उसके बाद अब लगातार बयान ये भी सामने आ रहे हैं कि अंततः क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए। जो आरोप लगाए गए थे वो सभी बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सभी मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो सब कुछ बेबुनियाद है। हमारे साथ अखिलेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, विधायक। अखिलेश जी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देख रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी को अब बेल मिल चुकी है। सत्यमेव जयते मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले, और आज पूरे दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, फर्जी तरीके से शिक्षा की क्रांति को कुचलने के लिए, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए उनके शिक्षा मंत्री को जेल में फर्जी केस बंद कराने की कोशिश की, और जो टैक्टिक्स अपनाया केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का, डिले करने का, उनको जेल में रखने का, उसका पर्दाफाश कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। और लताड़ लगाई है कि मनीष सिसोदिया जी के पक्ष पर कोई भी डिले नहीं रहा, हर चीज समय पर उन्होंने दिया, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने जानबूझ करके प्रक्रियाओं का फायदा उठाते हुए इतने समय तक, 18 महीने तक दिल्ली के लोगों का समय बर्बाद किया। दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबल है। आज हमारे बीच में शिक्षा के नायक आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हम लोग के बीच में होंगे। सब लोग बहुत ही अपने आपको ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप पूरे दिल्ली वालों को, पूरे देश वालों को बहुत बधाई। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं तो किस तरीके का जश्न आम आदमी पार्टी मनाने वाली है, और आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है शिक्षा को लेकर के भी और आने वाले आगामी चुनावों को लेकर के भी? आम आदमी पार्टी बहुत जश्न की बात नहीं करती। हम जो है इस ऊर्जा को अपना सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे लोगों के। आदरणीय मनीष जी के आने के बाद और ऊर्जा के साथ दिल्ली के लिए लोगों के लिए लगे हुए थे पहले भी, और भी ऊर्जा के साथ लगेंगे, दिल्ली के लोगों का काम करेंगे, और दिल्ली के लोगों ने जो हमें चुन के भेजा है उसको सार्थक बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी ताकत है वो हमारे दमन में लगाएं। हम उनसे कहना चाहते हैं हम लोगों को कुचलने में लगाएं, हमारे कार्यों को रोकने में लगाएं, हम जनता देख रही है उसका फैसला लेगी। बिल्कुल, देखिए अभी संजय सिंह जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, ज्यादती हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि सीएम केजरीवाल भी जल्द से जल्द बाहर आएंगे, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें कोर्ट पर भरोसा है। बहुत जल्दी, आपने सही कहा, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, कि बहुत जल्दी 20 तारीख को आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक नकली जो केस बनाने का और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से अपने विरोधियों का दमन करने का जो चक्र चल रहा है उसका भी भगवान ने पर्दाफाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि न केवल उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई गई मनीष सिसोदिया जी के बेल को नहीं देने में, उस पर भी जो है गहरी चिंता व्यक्त की है, लताड़ लगाया है नीचे की अदालतों को, उनको कहा है कि उन्होंने सेट पैटर्न का कहीं ना कहीं पालन नहीं किया, अनुपालन नहीं किया है, और बेल देना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है, यानी कि वो निर्दोष है। और निर्दोष व्यक्ति आज बाहर है, बहुत भावुक क्षण है हम लोगों के लिए, हम लोग भावुक है, और बस यही कहना चाहता हूं कि ये सारी दिल्ली के एक एक बच्चों की दुआएं, उनके परिवार की दुआएं मनीष सिसोदिया जी के साथ हमेशा खड़ी रही। हम सब आज बहुत उत्साह में है। बिल्कुल अखिलेश जी, जैसा कि आप लगातार छात्रों का जिक्र कर रहे हैं, अभी हमने अपनी सहयोगी से प्रिया राणा से भी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि जब मनीष सिसोदिया को जेल हुई थी, जब वो जेल गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी हुई थी, तो कई छात्र बेहद दुखी थे, कई की आंखों में आंसू भी देखे गए थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत नया अध्याय लिखने की कोशिश की थी, और बीच में वो अध्याय कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लग गया। अब जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं तो दोबारा से वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज दोबारा से ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, वो विजनरी, एक हमारे शिक्षा के नायक, हमारी सरकार के कर्णधार, जितना कहा जाए, और उसको हम लोग मिस्टर मनीष सिसोदिया जी को हम लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में एक परफेक्ट काम करने वाले व्यक्ति,
ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल करके हमारी सरकार को बिल्कुल रोकने का काम करने की कोशिश की थी बीजेपी ने, लेकिन वो सफल नहीं हुई। 18 महीने जरूर रोका। और मैं बताऊं, कल भी मैं कई बार शिक्षा जगत के लोगों के साथ बैठा हुआ था, कई अधिकारी शिक्षा जगत के, हमारे गवर्नमेंट का ऑफिसर, कई टीचर्स, कई प्रिंसिपल से जब बात होती थी, न केवल दिल्ली के बच्चे दुखी थे, दिल्ली का एक एक शिक्षक अपने शिक्षा मंत्री को बहुत याद करता था। उन्होंने शिक्षा क्रांति को देखा था, वो बहुत परेशान होते थे। आज जब शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम गढ़े गए थे, उसको रोकने का काम हो रहे थे, तो बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी बहुत उत्साहित है, हम सब उत्साहित दिल्ली। जी अखिलेश जी, अब देखिए मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, सीएम केजरीवाल की जमानत की लगातार उम्मीद लगाई जा रही कि उन्हें भी जल्द से जल्द जमानत मिल जाएगी। कितनी मजबूती महसूस कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? निश्चित रूप से 20 तारीख का दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला लगा हुआ है वो ऐतिहासिक होगा, और इसमें इस निर्णय में ही कुछ बातें कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि बेल एक अधिकार है लोगों का, बेल जो है मिलनी चाहिए, प्रक्रियागत चीजों के कारण और एजेंसियों की ढीले के कारण किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता है। खुद कह दिया, उसका इंडिकेशन इस बेल में मिल चुका है, और आपको बहुत जल्दी हमारे मुख्यमंत्री भी बाहर होंगे, हम सरकार फुल फ्लेज चला करके दिल्ली का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से रोका था उसको जो है बहाल करेंगे, काम करेंगे, और दिल्ली के लोगों का विश्वास जो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिंदा रहा है उसको और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल अखिलेश पति त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि